बलरामपुर जनपद के थाना हरैया क्षेत्र के अंतर्गत सिरसिया तुलसीपुर मार्ग पर चौधरी डीह बिनुहनी के बीच में ईंट भट्टे के पास एक महिला बस की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से एक निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरसिया जनपद श्रावस्ती भेज दिया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल भिनगा के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल महिला का नाम कुसुम पत्नी कन्हैया लाल निवासी दुर्गापुर जनपद श्रावस्ती का बताया जा रहा है, जो कि चौधरी डीह व माधव डीह के बीच स्थित समाता मंदिर पर बस से दर्शन करने के लिए आई हुई थी और उसी बस से नीचे उतरते समय चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिले भर की आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 1.5 माह से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आशा उषा कार्यकर्ताओं ने बारिश में भीगते हुए रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए आशा उषा संघ की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज हम आशा उषा संघ की बहनें 66 रुपए रोज से कार्य कर रही हैं, जिससे हमारी गुजर बसर नहीं हो रही है। हम लोगों की प्रदेश भर में 60,000 कार्यकर्ता हैं, जो 10 लाख वोटरों को प्रभावित करेंगी। महिला संगठन से ब्लॉक अध्यक्ष रुक्मणी पवार, मैं आज बैतूल जिले में महारैली का हम लोग ने आयोजन किया है। आज हमारा बैतूल जिला पिछले 2 वर्ष से मलेरिया मुक्त हुआ है, तो हम आशाओं की बदौलत हुआ है। हमारा हम लोगों को अवार्ड मिला है हमारे सीएचसी पीएचसी को और हमारे बैतूल जिले में हमारे अधिकारियों की को कि हमारा बैतूल जिला मलेरिया मुक्त हुआ है। हमारे विगत 2 सालों से कोई मलेरिया पेशेंट नहीं मिल रहा, तो किस वजह से? हम आशाओं की वजह से। आपने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए थे जब बैतूल आए थे मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी ने आपसे क्या कहा था? बहुत सम्मानजनक हमारा वेतन लिया, हमारा ज्ञापन लिया, हमें आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्दी तुम्हारी मांग पूरी होगी, लेकिन अभी तक कोई रीजन नहीं। बरेली थाना बारादरी के मोहल्ला हाजियापुर वार्ड नंबर 15 में आज बारिश होने के कारण हाजियापुर वासियों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले, हाजियापुर में नगर निगम द्वारा समर सेल बनाया गया, जिससे लाखों रुपए सरकार ने बर्बाद किए, पर इससे हाजियापुर वासियों को कोई फायदा नहीं हुआ। पार्षद की गलत नीतियां व कई क्षेत्र का पानी लेने की वजह से आज हाजियापुर में जरा सी भी बारिश होने पर जलभराव की समस्या हो जाती है और हाजियापुर वाले जरा सी बारिश होने पर पानी में घुसकर निकलना पड़ रहा है। पहले के पार्षद ने पैसे को पानी की तरह बहाया, पर हाजियापुर वासियों को पहले से ज्यादा पानी की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। हाजियापुर आज पूरा जलमग्न हो गया। तेज बारिश होने के कारण हर गली में पानी ही पानी नजर आया। और तो आज हम हाजियापुर वार्ड नंबर 15 में हैं। आइए, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं यहाँ पर बारिश हुई है और बारिश से क्या समस्या है। जी, क्या नाम है आपका? सोनी जी, क्या समस्या हो रही है इस समय? बारिश हो रही है, तलाई भीगी पानी की, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ का सभा साल ऐसा है कि वो खाली अपने काम में मजबूर रहता है, पैसे कमाने में रहता है, वो पैसे कमा लूं और गरीबों का कोई काम नहीं करूंगा। यहाँ पे सब्र जेल बना हुआ है, मतलब पानी की निकासी अभी नहीं हो रही है। अरे कहाँ हो रही है, देखो ना, खड़े हुए हैं। ये बताओ पहले, कोई काम ऐसा है जो हो नहीं पा रही है बिल्कुल भी? वो सभा सत्ता काम क्या होता है? सभा सत्ता काम ये होता है कि गरीब जो औरतें हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, जिनकी मंडली डूबी हुई है, तो डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ ही है इंसान। एटा में रविवार को संदीप जैन एडवोकेट जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पुत्र बिट्टन लाल जैन निवासी कैलाशगंज थाना कोतवाली नगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित शिकायत की कि शनिवार को समय करीब 4:30 बजे स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त एक पत्र में उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है तथा ना देने पर वादी व वादी के परिवारी जनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया। सोमवार को थाना कोतवाली नगर व देहात पुलिस तथा एसओजी टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आए। पुत्र जयपाल सिंह निवासी घिलोआ थाना कोतवाली देहात व धनंजय यादव पुत्र भूपेंद्र यादव निवासी घिलोआ थाना कोतवाली देहात को घिलोआ तिराहे के पास से समय करीब 10 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में निकाय चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही प्रत्याशी वोटरों को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में नगर पंचायत मक्खनपुर क्षेत्र के सपा प्रत्याशी एसके अरुण ने आज मक्खनपुर में अपना जनसंपर्क किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्र की जनता से सपा के पक्ष में मतदान की अपील की है। नगर पंचायत मक्खनपुर में समाजवादी पार्टी ने ऐसा दाव चला है कि जिससे बहुजन समाज पार्टी और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। वैसे तो कई निकाय चुनावों में भाजपा और सपा के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को मिलता था, लेकिन इस बार नगर पंचायत मक्खनपुर में सपा का बेतोड़ मुकाबला देखने को मिला। और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, आपका समर्थन मिल रहा है, आपका साथ मिल रहा है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ इसी तरह से अपना सहयोग, अपना समर्थन अपने बेटे, अपने भाई और भाई रखे। मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा और मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि नगर पंचायत में मक्खनपुर में ही रहेगी। नगर पंचायत बनने के बाद पानी की अच्छी व्यवस्था होगी, चौथी बोरों पानी निकलेगा। मुझे बहुत खुशी है, इसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ और अनुनय विनय करता हूँ कि सभी लोग छोटी छोटी बातों का मनोभाव छोड़कर हमारे बहुजन समाज देख रहे संगठन में बहुत पावर होता है। ये पांच उंगलियां राजस्थान के झालावाड़ में ग्राम पंचायत कोलू खेड़ी कला में आयोजित किया गया। मीडिया प्रभारी लियाकत अली ने बताया कि महंगाई राहत कैंप के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कैलाश मीणा रहे एवं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। प्रभारी लियाकत अली, गोविंद टेलर, एससी प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब चंद रेदास रहे मौजूद। महंगाई राहत कैंप में सभी योजनाओं में पंजीयन हुए गैस सिलेंडर के पंजीयन 198, घरेलू बिजली 100 यूनिट के 130 पंजीयन, कृषि बिजली 2000 यूनिट फ्री के 20 निशुल्क, अन्नपूर्णा 460, नरेगा ग्रामीण योजना गारंटी योजना 179, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 298, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना में 352, चिरंजीवी दुर्घटना योजना में 490, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में 490 पंजीयन हुए। आप उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली आज से फ्री दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा में पात्र परिवारों को अब सरकार की ओर से भूख के किस्त दिए जाएंगे और नरेगा में जिन किसान भाइयों के 100 दिन हुआ करते थे वो अब से 125 दिन उनको काम मिलेगा। साथ ही एक सबसे बड़ी जो हमारे गरीबों, वृद्धों, विकलांगों के लिए जो राजस्थान सरकार ने मेहरबानी की है वो ये है कि आप जिन्हें 750 रुपए पेंशन के मिला करते थे अब आपको 1000 रुपए मिला करेंगे। राजस्थान के सांगोद कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति की बालूहेड़ा पंचायत में सोमवार को प्रशासन गांव के संघ व महंगाई राहत शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक भरत सिंह कुंदनपुर, खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद, मीणा ब्लॉक अध्यक्ष पूजा सिंह, पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कुशल पाल सिंह समेत अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन गाँव के संघ अभियान और महंगाई राहत शिविर ग्राम पंचायत बालूहेड़ा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को सूचित किया गया और अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचकर राजस्थान सरकार द्वारा जो मुख्य 10 योजनाओं में राहत प्रदान की जा रही है उसकी राहत का आज कार्यक्रम यहां पर किया गया। साथ ही प्रशासन गाँव के संघ अभियान शिविर भी 2 दिन रहेगा, आज और कल में। आज के कैंप के दौरान माननीय विधायक मोदी भी कैंप के निरीक्षण के दौरान आए। उड़ान देश में जारी हिंसा के बीच मोदी सरकार भारतीयों को निकालने के हर संभव प्रयास, भारतीय लोगों की मदद कर रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के तहत जिले में पहुंचे उसका क्षेत्र के महेंद्र कुमार पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद वे मोदी सरकार का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। महेंद्र कुमार सूडान में गाड़ी ड्राइविंग का काम करते थे, वहां वे कमाई करके यहां अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। पिछले दिनों से जारी हिंसा की बात करके महेंद्र कुमार सहम जाते हैं, वहां हुए अपने साथ हिंसा दुख बयान नहीं करते नहीं थक रहा है। यहां पहुंचने पर वे मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर वे जिंदा हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से।
बहुत अच्छा लग रहा है। झेल करके आए? अरे बहुत दुख झेल के आए हैं, जब से सुन रहे थे कि हमारा पति का ऐसा समस्या है तब से हमारा, अब क्या बताए, 3 बच्चे हैं हमारा भी, अब कोई कमाने वाला है नहीं, यही थे बस, और खेती बाड़ी तो है नहीं, और हमारा इसी के आशा था, जब से सुने थे तब से बहुत जीव घाबरा में थे, अभी कहा कि हमारा पति हमारे पास आ गए, योगी जी का मोदी सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा परिवार हमारे पास आ गए हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।